मोहाली के CP67 मॉल के बाहर बीते दिन दिन दिहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसमें राजेश डोगरा जो जम्मू निवासी थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उनके परिजन यहां पर पहुंचे हैं। इस पूरे मामले में हालांकि पुलिस कई चीजों पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी हालांकि इस पूरे मामले में नहीं हुई है और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। जो उनके परिजन हैं वो हमारे साथ हैं। सर, ये जो पूरा कल मामला हुआ था, हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किस तरह से ली? सर, ये मेरे भाई को धोखे से मारा गया। उसको इसका दोस्त ही घर से लेके आया, इंसिडेंट जाना था राम मंदिर अयोध्या, और रास्ते में इन्होंने मिलकर प्लानिंग की, उसका पैसा खाया और उसको रास्ते में ही अपने दोस्तों और बुला के उसको मार दिया और इल्जाम लगा दिया कि मेरा इसका बीवी के साथ चक्कर है। तो ये सब झूठ है सर। यहाँ की पुलिस तो हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, मर गिरफ्तारी अभी तक कोई नहीं है। हमें अपनी जान का खतरा है कि कल को वो किसी और को ना मार दे, इसलिए हम पुलिस से चाहते हैं वो जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करें। ठीक है, गिरफ्तार हमारी फैमिली को भी खड़ा खतरा है। हम चार भाई हैं सर, हम हमें सारे जानते हैं ये लड़के बड़े तगड़े बदमाश है, जिन्होंने भी कुछ किया इतना बड़ा कांड। तो हम चाहते हैं हमारी प्रोटेक्शन हो और इनको जल्द जल्द पकड़ा जाए, हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ चाहिए। सीसीटीवी भी आई है, दो गाड़ियां दिख रही है, एक इनोवा एक व्हाइट कलर की। सर, ये वांटेड आ गई जम्मू में, इन्होंने तीन तीन चार चार कत्ल किए हुए, इन्होंने आ गई इन पे आगे केस चलते हैं, कितने आप इंक्वायरी करा सकते हैं? दोनों लड़के राजा या जो भी है, ये सारे हाल ही में अभी पीएसए से बाहर आए हैं सारे। कुछ अभी तक पता चल पाया हो कि यारी दोस्ती में ही यहाँ पर लेकर आए हों और उसके बाद यहाँ पर? सर, धोखे से लाया, धोखे से। उसको उन्होंने जाना था अयोध्या, राम मंदिर जाना था, और अयोध्या कहीं बढ़ता और ये कहाँ बढ़ता है। उसको धोखे से उसको ले आए, नशे की गोलियां खिलाई जाए, क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद उसको मार दिए। आपके ब्रदर स्कॉर्पियो में थे, तीन लोग बता रहे हैं पुलिस वाले। हाँ, उन्होंने स्कॉर्पियो लाई थी, उनके साथ एक बंटी लड़का था और एक और था उनका, बंटी का ड्राइवर ही कोई करके। तो अब वो गाड़ी से पैदल क्यों जा रहे थे, कैसे निकले, बंटी ने कहा गाड़ी खड़ी की थी, इसके नाले हमें कहीं नहीं है और गाड़ी भी हमें ट्रेस नहीं हुई अभी तक, गाड़ी भी पुलिस वालों के पास हुई, ट्रेस नहीं हुई है कहाँ पे। सर, इसमें दो कब निकले, कब थे वो जम्मू से आपके ब्रदर? सर, शुक्रवार शाम को निकले थे वो, शुक्रवार शाम को, जिस दिन बारिश हो रही थी। अच्छा, तो सर इसमें अभी तक कुछ आप लोगों को कुछ पता चला हो, क्योंकि पुलिस तो हालांकि लगातार लग रही है, पूरा ट्रेस की है, SIT भी बिठा दी है इसमें। पुलिस ने तो अच्छा काम किया, हमने देखा न्यूज में देखा तभी पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया। पहले तो हमें पहचाना नहीं जा रहा था कि हमारा भाई ये कौन है, जब पूरी शक्ल देखी तो फिर हम यहाँ आए। पहले तो इधर का हमें पता ही कुछ नहीं, चंडीगढ़ का क्या है क्या नहीं, तो बाद में जब पता चला न्यूज में कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रही। जब हमने अपने घर से पता किया कि क्या चक्कर है, घर वाले बोला अयोध्या गया था, तो रास्ते में पता लगा कि बंटी साथ में था, जिसने ये इसका दोस्त है, बड़ा अच्छा बंटी, बड़ा अच्छा दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, करोड़ों रुपया खा चुका है। सर, जो राजा है उसकी क्या भूमिका? राजा इनके साथ पहले जेल में था, ठीक है, राजा जेल में था, दो साल वो भी ऐसे काट चुका है, वहीं पे इनकी दोस्ती हुई। इसने उस भाई के आगे कहा नहीं मैं गरीब हूँ, ये मुझे काम दे, कोई ये कर वो कर, भाई ने विश्वास कर लिया, उसको साथ रख लिया। वो कहाँ से हाथ धमका, एकदम से गाड़ियाँ कैसी आई, कौन लाया, कि यार तो मार हुई है, दोस्ती सब बंटी जानता है, सब, क्योंकि एकदम से गाड़ियां कैसे आ गई, फायरिंग कैसे हो गई, लड़के कहाँ से आए, ये सब बंटी को पता है। सर, इसमें दो तीन चीजें आ रही है, हालांकि अभी क्लियर नहीं है, एक तो पैसे का लेन देन की बात आ रही है और एक कोई अफेयर का भी। नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है, हमारे भाई का हमें पता है करेक्टर कैसा है उसका, ऐसा कोई बात नहीं है। राजेश जी, सारे लड़कियों में मामले जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी जम्मू आओ तो पता लगेगा वो कैसा देवता आदमी था, चलो मर्डर की होगा उससे वो बात अलग, पर ऐसी लड़कियों वाली हरकत उसने कभी नहीं की है जिंदगी में, कभी नहीं की है सर। ये जो राजा है, इसके घर के गहने तक छुड़ाए हैं इसने, मोर से कितना पैसा लेके गया है ये, इसके घर के राशन डाले हैं, ये पता नहीं अब क्यों किया उन्होंने, किसके। सर, इसमें एक चीज और है कि जो CCTV आपने भी देखी होगी, CCTV में जो दिख रहे हैं उसकी कुछ पहचान आप लोगों ने की है? सर, उसमें एक था रायल सिंह था और एक बंटी का ड्राइवर था, तो और नहीं पहचाने के, बाकी सबने मास्क डाल थे, और जो गाड़ियां चला रहे थे वो कौन थे वो भी नहीं पता। दो तीन गाड़ियां हैं सर, व्हाइट कलर की गाड़ियां थी शायद, एक ब्रिजा थी, एक इनोवा है और एक क्रेटा, हाँ एक क्रेटा है, ब्लैक कलर की। कम से कम ये 9-10 लड़के थे। ओके, 9-10 लड़के थे ये कन्फर्म है। तो अभी तक कुछ पता चल पाया हो, कुछ पुलिस ने आपको बताया हो? नहीं, पुलिस ने अभी हमें कुछ नहीं बताया, क्योंकि बोल रहे हैं कि ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है हमारी, तो हम अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमें टीम लगी हुई है करने के लिए, वो बता देगी जब। जम्मू पुलिस भी के साथ कोऑर्डिनेशन पंजाब पुलिस का? सर, हमें जम्मू पुलिस से अभी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो आज आप आए हैं, बॉडी हम कल से आए सर, कल से पहुंचे हुए हैं, तो रात को इधर ही थे हम। तो आपको इन्फॉर्मेशन सर कैसे मिली थी कि ऐसा हुआ है? न्यूज में देखा था हमने।
न्यूज़ पुलिस ने भी कांटेक्ट किया था आपको? पुलिस ने, वो हमने इनके नंबर में कॉल की थी तो तब जाके पुलिस ने उठा के बताया कि हाँ भाई इनका ऐसे ऐसे कुछ हो गया तो आप आ जाओ यहाँ पे, फिर उन्होंने अपना नंबर दिया, यहाँ पहुँच के हमें फोन कर लेना। बॉडी देखी थी आपने? मैंने नहीं देखी है। नहीं देखी अभी तक? नहीं देखी। काफी ज्यादा बुलेट इंजरी हुई है सर? अभी नहीं देखी मैंने। नहीं मुझे दिखाई नहीं, रात को दिखाई देखने नहीं थी। इन्होंने कहते हैं मैरिड थे? अनमैरिड थे। कितनी एज? उनकी एज थी 50। सर ये अफेयर वाला चक्कर बिल्कुल गलत है, ये पता नहीं अब अफेयर वाला देखो अगर है भी तो इसने फिर उसी चक्कर में मर्डर किया भैया का। ये भी खुद करेक्टर लेसी सर, आप किसी जम्मू कमी के इनकम कर सकते हो।